कि कल का सूरज सिर्फ जयराम महतो है, किसी को नहीं टिकने देंगे। आप किसी दिन जयराम महतो से जाके पूछिए, वो बताएंगे कि उनके बड़े भाई के रूप में, उनके मार्गदर्शक के रूप में संतोष महतो ने उनके शुरुआती करियर के दौर में उनका मार्गदर्शन किया। तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम समूह, तमाम राज्य और तमाम जिला उसमें सम्मिलित होगा। कैसा बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। तो आप अगर 2024 की सपना देख रहे, अगर 26 में होगा ना चुनाव, तो 26 में टल जाएगा। क्या बात करते हैं, कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। सुनीता चौधरी कभी भी मार्केटिंग के माध्यम से किरण बेदी नहीं बन सकती है। और चुनाव जो अभी आप उपचुनाव जो रामगढ़ विधानसभा का हुआ था, उसमें आप बड़े तेवर में देखे थे संतोष महतो को, जो खुद को घोड़ा बताते थे और दो लोगों को कहते थे, आप जान रहे क्या कहते थे, और कहते थे कि ये घोड़ा मैदान में, लेकिन ये घोड़ा बहुत तेज नहीं दौड़ पाया था। लेकिन उसके बावजूद जो इनका जुबान था, जो इनका शब्दावली था, पूरे बाजार में चर्चा का विषय बना होता, क्योंकि एक शिक्षित यूथ है। खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। और संतोष जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा, हम लोग लगातार आपको देखते हैं एक मीडिया होने के बावजूद भी। लेकिन आप एक चीज बताइएगा संतोष जी, कि इस बार कौन सा ऐसा रणनीति बना रहे हैं जो आप इस बार झारखंड पार्टी को 81 विधानसभा छोड़िए, सिर्फ रामगढ़ की बात करिए, कैसे मजबूत करेंगे? पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो हमारे मुद्दे थे, निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से, यहाँ के अंतिम लोगों को हमारे मुद्दे पसंद आए। एक स्वर से, मैं तो अभी पार्टी के अधिवेशन में मैं बोल रहा था, और मैंने आज भी कहा है कि पार्टी के तौर पे झारखंड पार्टी और प्रत्याशी के तौर पे संतोष महतो को पूरे रामगढ़ के लोगों ने पसंद किया, सराहा, स्वीकार किया। ये अलग बात है। देखिए, चुनाव के दौरान मैं भी मैं कहता था कि ठंडा मतलब कोका कोला साबित किया जाता है, मुद्दों की मार्केटिंग की जाती है। झारखंड पार्टी ने इस बार तय किया है कि हम मुद्दों की मार्केटिंग नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिक्स हम रामगढ़ के लोगों के अंतिम अंतिम घर तक ले जाकर उनको ये बात बताएंगे कि वो मुद्दों की मार्केटिंग और उसके जी जंजाल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोशल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है, उन मुद्दों में भ्रमित होकर जिस तरीके से सड़क प्रत्याशी उन लोगों ने चुन लिया है, अगली बार हम उनके डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। सुनीता चौधरी कभी भी मार्केटिंग के माध्यम से किरण बेदी नहीं बन सकती है। हम लोग एक योग्य प्रत्याशी के तौर पे उभरे थे, ये लोगों ने स्वीकार किया है। पहली दफ़ा रामगढ़ के इतिहास में ऐसा हुआ कि रामगढ़ मुख्य शहर के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से आए संतोष महतो जैसे प्रत्याशी को पसंद किया। चौक चौराहों में चर्चा हुई कि पहली बार जिस तरीके से झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, एक योग्य लीडरशिप का क्राइसिस चल रहा है, ऐसे क्राइसिस के समय में झारखंड पार्टी ने बतौर संतोष महतो को जो मार्केट में उतारा है, मैदान में जो उतारा है, निश्चित रूप से आने वाले प्रत्याशियों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। G20 समिट चल रहा है, पूरे विश्व के बड़ी तादाद में मजबूत शक्तियां आज देश में मौजूद हैं। आप लोग केंद्र, राज्य, सबका आज यहां पर विरोध करते हो, अपनी पार्टी को मजबूत करें, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, अभी मैंने मार्केटिंग की बात की, 20 से 25 देश के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इसको इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है जैसे ये G20 सम्मेलन के बाद ना जाने क्या होने वाला है। आप अगर G20 के मुद्दों को देखेंगे, 3-4 मुद्दे हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम जैसे अनडिफाइंड चीज़ें हैं। आज नहीं, ये G20 से कई साल पहले से हमें पता है कि विश्व को एक परिवार के रूप में काम करना है। मतलब मेरा कहना है कि G20 जैसे मार्केटिंग वाले सम्मेलन में क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। इससे पहले भी कई इंडिया और भारत को लेकर भी घमासान मचा हुआ, एक और पार्टी इंडिया बना दिया गया, इंडिया गठबंधन बना दिया गया, तो दूसरी ओर प्रेसिडेंट और भारत का जो G20 का सम्मिट है उसमें इन्विटेशन पत्र छाप दिया गया। इससे पहले भी, ये G20 छोड़ दीजिए, इससे पहले भी भारत में 84-85 के समय में बहुत सारे शिखर सम्मेलन हुए जिसमें सैकड़ों की संख्या में देश आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर, इंडिया गठबंधन बनाई गई तो भारत का नाम जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया, हो सकता है 18 से 22 तक जो संसदीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें नामकरण भी हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो सकती है। आप एक पढ़े लिखे सभ्य, हमने आपको पहले ही कहा, आप उस मुद्दों पर बात करेंगे जो भारत देश के द्वारा इस तरह का जो किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा जो बुलाई जाएगी अभी जो विशेष सत्र, उसमें इस तरह के मुद्दे अगर पास हो जाते हैं तो उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हम
केंद्र की अलग राजनीति होती है, देश स्तर पर राजनीति अलग तरीके से, उसके पैमाने तय किए जाते हैं, मापदंड तय किए जाते हैं, मुद्दे तय किए जाते हैं। झारखंड पार्टी झारखंड की स्थानीय पार्टी है। मैं चाहूँगा कि झारखंड से संबंधित सवाल किए जाएँ, लेकिन एक मुद्दा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जब इंडिया और भारत की बात आएगी तो आप भारत का नाम लेकर चलेंगे या इंडिया का नाम लेकर चलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम समूह, तमाम राज्य और तमाम जिला उसमें सम्मिलित होगा। कैसा बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो आप अगर 2024 की सपना देख रहे हैं, अगर 26 में होगा ना चुनाव तो 26 में टल जाएगा। क्या बात करते हैं, ये बात नहीं करिए। चलिए उस मुद्दे पर बताइए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वन नेशन हो वन इलेक्शन हो हम उसका भी स्वागत करते हैं। जिस भी तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस में सेंट्रल और स्टेट की सरकारें जाएं, हमारी तैयारी ऐसी होगी कि चुनाव जिस स्तर पे हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, उसके लिए भी हमारी तैयारी हो। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक भ्रामक चीज है। जिस तरीके से इससे पहले प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था कि सीए आएगा, एनआरसी आएगा और बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों को हटाया जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, एक सीगुफा साबित हुआ। ये मेरे अनुसार जो है वन, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कंसेप्ट है ये एक सीगुफा, इसका कोई डिफाइंड रिजल्ट मुझे नहीं समझ में आता है। अंतिम अंतिम सवाल, उभरता हुआ चेहरा जयराम महतो लगातार बड़े बड़े सभाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल का सूरज सिर्फ जयराम महतो है, किसी को नहीं टिकने देंगे। आप किसी दिन जयराम महतो से जाके पूछिए, वो बताएंगे कि उनके बड़े भाई के रूप में, उनके मार्गदर्शक के रूप में संतोष महतो ने उनके शुरुआती करियर के दौर में उनका मार्गदर्शन किया है। अभी भी हमारी बातचीत होती है, आलोक स्टील प्लांट में हम लोगों ने सामूहिक तौर पे आंदोलन भी किया है, उनके मुद्दों के साथ हमारी पार्टी मतलब उनके साथ जाएंगे क्या? देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, स्पष्ट करिए ना, बहुत नहीं सुनता है पब्लिक, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट ये है कि हमारी पार्टी उन तमाम लोगों के साथ जाएगी जो झारखंड के हित की बात करेंगे। बगड़िया सबसे बढ़िया, मैं प्री पूजा तीज सेल्स, जहां छत एक आइटम अनेक, वह भी 50% की भारी डिस्काउंट के साथ, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड जींस पैंट शर्ट सूटिंग सेटिंग साड़ी मैचिंग घाघरा चुन्नी बच्चों एवं कपड़ों के रेडीमेड कपड़े सलवार सूट पीस लेडीज व जेंट्स फुटवियर ओढ़नी मैचिंग फर्नीचर स्कूल एवं ट्रॉली बैग स्लीपवेल गद्दे पर्दा बेडशीट कालीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन स्टील बर्तन गिफ्ट आइटम डेकोरेशन फ्लावर एवं कॉस्मेटिक आइटम्स सहित हजारों आइटम्स। विश्वसनीयता की कसौटी पर खड़ा बगड़िया सबसे बढ़िया, जहां सेल 50% तक, श्याम कॉम्प्लेक्स चट्टी बाजार रामगढ़।